आज आपको हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह के कमबैक क्यूज हमने अमेरिकी मार्केट से आते हुए देखे हैं, ओवरऑल भी मॉर्निंग में जैसा प्रदर्शन दिख रहा है, क्या लगता है सर निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या रणनीति आप सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग, नया देखिए संकेत मिले जुले हैं अमेरिका से, इनफेक्ट आप बेहतर ही कह सकते हैं क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में थे, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आई है वो काफी अच्छी और काफी मजबूत कही जा सकती है, तो थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, हमारे बाजार कल नीचे खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहे, ऐसे हम दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद नहीं हुए और लोअर लेवल से लगातार खरीदारी भी आती दिखी है, वो एक थोड़ा पॉजिटिव संकेत है। इंडसइंड बैंक के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे बैंक रिजल्ट खराब हो सकते हैं, HDFC बैंक के भले लोगों को पसंद ना आए हो लेकिन इंडसइंड बैंक किसी भी ऐसे बुरे नंबर्स नहीं है, तो ये तीन चीजें अच्छी है। लेकिन इन सबके सामने एक ही सबसे भारी पड़ने वाली जो नेगेटिव चीज है वो फिर से कैश मार्केट में FIs की तरफ से बिकवाली के जो बड़े आंकड़े आए हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं। दो दिनों में इतनी तगड़ी बिकवाली 20,000 करोड़ के आसपास की FIs की है, वो थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर दबाव तो रखेगी, लेकिन आज के सेशन में फिर ऐसा होगा कि दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे और अगर एक अच्छी रिकवरी आती तो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए और लेवल लोअर लेवल पे वापस दिन के दौरान जब भी मौका मिलता है तो हल्की फुल्की खरीदारी भी करते चले। जहां तक कैश मार्केट के स्टॉक्स का सवाल है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जहां पर आपको पिछले दो दिनों में अगर बढ़िया करेक्शन देखने को मिल गया है तो वहां पर आपका एंट्री करने का मौका भी बनेगा, तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए तैयार आपको रहना चाहिए। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल बता दूं, 21,300-21,400 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ की कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हुई हो गई, बैंक निफ्टी की भी आपकी हो गई परसों, तो अब वैसे बाजार थोड़े पोजीशन के लिहाज से हल्के हैं, ये एक अच्छी बात है, तो कुछ अच्छी चीजें आज ज्यादा दिख रही है, सिर्फ एक ही चीज से जूझना हुआ है FIs की बिकवाली का। और ऐसे में अगर 21,400-21,500 की रेंज में निफ्टी आपको मिलता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए, 21,550-21,650 ऊपरी जोन है जहाँ पर जून की प्रॉफिट बुकिंग आने की है संभावना। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,225-45,425 आपके लिए पहले सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, इस ऊपरी स्तर पर 46,075-46,175 वो रेंज है जहाँ पर आपको थोड़ी बिक वाली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है, तो इन सारे लेवल्स और रेंज पर रखनी चाहिए आपको नजर।